हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल सीमा से सटे हुए लोग आज भी संचार सेवा से पूरी तरीके से वंचित हैं। चीन और नेपाल से तनातनी के बीच उच्च हिमालय क्षेत्र दारमा और व्यास घाटी के लोग नेपाली टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, जो देश के सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। वह स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि BSNL की ओर से सीमांत क्षेत्रों में जल्द मोबाइल टावर स्थापित करने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते सीमांत क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं BSNL के अधिकारियों का यह कहना है कि सीमांत क्षेत्रों में टावर लगाने की कार्रवाई स्थानीय स्तर पर पूरी हो चुकी है, लेकिन कॉरपोरेट ऑफिस से परमिशन मिलने के बाद ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। 15 दिन के अंदर मतलब टावर लगाने की आश्वासन दिया था, जो अभी तक नहीं लगा हुआ है। जो सामान अभी पिथौरागढ़ में पड़ा हुआ है, अभी तक गुंजी और आपका दुखतू में नहीं पहुंचा हुआ है। इसके कारण वहाँ की जनताओं में मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जितने भी हमारी जो मतलब अभी जो चाइना और नेपाल के साथ जो तनातनी हो रहा है, इससे भी जो हम अभी आज के डेट में जो है कि नेपाल का सिम का यूज़ कर रहे हैं, जो इतना बड़ा राजस्व जो उनको फ़ायदा पहुंच रहा है आज के डेट में। आज हमारा वहाँ पे टावर समय से लग जाता है, तो आज जितना भी है वो उसका फ़ायदा आज हमको मिलता है, हमारे देश को मिलता है। तो अब बहुत ही परेशानी हो रहा है, और वहाँ पे टावर नहीं होने के कारण लोग मतलब अपना सूचनाएँ इधर उधर आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ये 15 दिन के अंदर लग जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ की जनता बहुत मतलब परेशान में है, ब्यास वैली और दारमा वैली। कार्रवाई जो करना था हमने हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या कहते हैं अपने कॉरपोरेट ऑफिस को भेज दिया है। कॉरपोरेट ऑफिस के बाद अगर वो सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल जहाँ तक हमारी जानकारी है, इस पर अभी ना तो SDR की तरफ से कोई फंड अलॉट हुआ है। ये सारे काम मेरे ख्याल में कॉरपोरेट अप्रूवल देगी, तभी उसके बाद कुछ कार्रवाई हो पाएगी।